Welcome back to G Study YouTube channel, and today we are coming here with the new vacancies Gram Vikas Adhikari. जी हाँ, आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं आपके साथ सामने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसीज को लेके. जी हाँ, इंतजार ख़त्म हुआ. जहाँ तक कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के फॉर्मों की बात है, तो वो फॉर्म आपके आ चुके हैं, उनकी नोटिफिकेशन आ गई है और उसके फॉर्म भरे जाना शुरू होने वाले हैं. ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरने हैं, उसके बाद से वो फॉर्म हमें कहाँ से भरने हैं, कैसे भरने हैं, उसका सिलेबस क्या है, हमें कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या हमें पढ़ना है, उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे मार्क्स होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं. तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो ध्यान से देखिएगा. अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा उसको रिपीट भी कर सकते हैं. और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट की अभी 2018 के लास्ट तक बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, लाखों फॉर्म आने वाले हैं. तो वो फॉर्म्स जैसे ही वो फॉर्म आएंगे, वैसे ही मैं आपको वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा उसका. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा सब्सक्राइब चैनल आपको मिलेगा इस तरह का, जैसे इस वीडियो के नीचे ऐसा एक बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर केवल आपको क्लिक कर देना. उस पर कोई चार्जेस नहीं है, आप क्लिक कर देंगे बस वो सब्सक्राइब हो जाएगा. और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई भी जॉब आती है, तो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा. सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये वैकेंसीज आ चुकी है और ये ऐसे ऐसे भरनी है, ये इसकी ये डिटेल्स हैं. ठीक है, तो सो ऑन, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म के बारे में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी हाँ, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2018. तो ये इसमें देखिए, एक्चुअली ये ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जो वैकेंसी आ रही, इसमें तीन तरह की वैकेंसीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली वैकेंसी तो है ग्राम पंचायत अधिकारी की, दूसरी जो है वो है ग्राम विकास अधिकारी की, और तीसरी जो है वह समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन की. ठीक है, और ये सारे जितने भी ये तीनों आपके फॉर्म हैं, ये तीनों एक साथ डालने हैं. आगे हम देखते हैं उसकी क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की अनंत तिथि, यानी आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ये 30 से आपका स्टार्ट हो गया, यानी 30 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. तो बिना देर किए आप अपना सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है. और इसमें एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल एक लिखित परीक्षा रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा. इसलिए तो, और इसकी वैकेंसी चूँकि इतनी अच्छी होने के चलते ये फॉर्म, इसकी जो साइट होगी वो बहुत बिजी हो जाएगी. तो इसलिए जल्दी जल्दी आप जैसे इस वीडियो को देखें, वैसे ही आपको मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस, आप सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देख लीजिए. ठीक है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, सॉरी प्रारंभ होने की तिथि है एक जून से इसका आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं, फी जमा कर सकते हैं. कैसे जमा करना है वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं आगे. परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जून लास्ट डेट है. तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, आप जल्दी से जल्दी इसको फिल करेंगे. ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 है, 2 दिन केवल एक्स्ट्रा मिला है, 27 तारीख का आप शुल्क, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तभी आप शुल्क जमा कर पाएंगे, अदरवाइज आप फीस जमा नहीं कर पाएंगे. और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29, यानी आपने अगर सब कुछ फाइनल कर रहे हो और लास्ट में आपको सबमिट करना है, तो 29 जून तक इसकी लास्ट डेट होगी. तो ये तो सारी होगी डेटें, आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, डेटें आपको क्लियर हो जाए, आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं ताकि ये आपके माइंड में बनी रहे. ठीक है, सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हुई है कि कितनी फ़ी लगेगी. तो फी का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं. सामान्य अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए ₹160 आवेदन शुल्क है, और ₹25 उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग फी है. टोटल मिला के ₹185 आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है. इसी तरह से ओबीसी के लिए, ये जनरल कैंडिडेट्स थे, ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹160 और ₹25 का ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी ₹185, यानी ओबीसी जनरल के लिए सेम है फी है. अनुसूचित एससी, ये एससी कैटेगरी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, इन दो कैटेगरीज के लिए ₹70 आवेदन शुल्क और ₹25 प्रोसेसिंग फी, दोनों मिला के तो ₹95 उनको पेड करने हैं. और विकलांगजनों के लिए कोई फी नहीं, आवेदन शुल्क कुछ नहीं, केवल ₹25 का ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, केवल उनको वही सबमिट करना है. तो ये इन्फॉर्मेशन रह गई इसके रिगार्डिंग कि क्या आपको फ़ी पेमेंट करना है. इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आती है कि
अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी पंचायती राज जो है उसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी है, तीन वैकेंसी हमने आपको बताई, तीन तरह की वैकेंसीज हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा, यानी 10+2 आप उत्तर प्रदेश के हों या CBSE बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हों, नो डाउट कि उन्होंने देखिए उनके लिखा हुआ है या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हुई, यानी आप किसी भी तरह से कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है, आप अगर 33% से भी पास हैं, गैस पा के भी पास हैं, CBSE से हैं, ICSE से हैं, UP बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है NIELIT, यानी NILET की तरफ से जो पहले DOEIC संस्था कहलाती थी, NILET का CCC का सर्टिफिकेट, यानी CCC का, देखिए हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके थे कि CCC बिल्कुल अनिवार्य है, इसके बिना आप फॉर्म एलिजिबल नहीं थे भरने के लिए। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन कर दी है आपको कि इसमें इंटरमीडिएट के साथ CCC होना अनिवार्य है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है कि जो कैंडिडेट्स अभी अप्लाई कर चुके हैं या एग्ज़ाम दिए हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और या तो फिर अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। दूसरा जो है वो है ग्राम विकास अधिकारी, ये ग्राम पंचायत अधिकारी था, ये ग्राम विकास अधिकारी है, इसमें भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष यानी इंटर, और इसके साथ कंप्यूटर संचालन या CCC का प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल ये भी आपका वही है, CCC और उसके साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा, यानी ये दोनों के लिए सेम कंडीशन हो गई। तीसरा जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसके लिए भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा, और इसमें भी यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली नहीं आ पाया है, CCC, इसके लिए भी CCC इसकी डिटेल हो, ये जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के इन तीनों पोस्टों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 इंटरमीडिएट किए हों आप, किसी भी परसेंटेज से किए हों, कहीं किसी भी संस्था से किए हों, और उसके साथ से आपने CCC, लेकिन CCC कंडीशन CCC DOEIC का ही होना चाहिए, NILET का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन बेस पर आप भर सकते हैं, तो आई होप आप क्वालिफाई होंगे। CCC अगर आप नहीं किए हैं या कर रहे हैं या पेयरिंग में हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइडलाइन बताऊँगा अगले वीडियो में कि उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं इनकी। अब नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस क्या है इसका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि बिना सिलेबस के हम अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी पूरी नहीं होती, पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें तीन सब्जेक्ट होंगे, प्रथम भाग हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता है, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 to 100 मार्क्स का ये होगा 100 नंबर का। दूसरा भाग है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण 2, सामान्य बुद्धि यानी इसको कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जो ये हिंदी तो हो गया आपका, इसके पास ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें रीजनिंग भी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका GS भी आ सकता है, इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स भी आ सकता है। तो जनरल सामान्य बुद्धि परीक्षण में समझिए सब कुछ आएगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं रीजनिंग के आने के, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स इसमें आएगी, और ये भी 50 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग मैथ दोनों मिला के 50 क्वेश्चन क्या आ रही है, ये भी 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, और ये टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। और इसके बाद से सामान्य जानकारी GS जनरल स्टडी GS जो है आपका, ये भी आपका आ रहा है 50 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं, और ये भी होगा आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन विद इन 2 आवर्स, आपको 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं, 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने। तो बिल्कुल प्लानिंग से करिएगा तैयारी इसकी, आगे मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ये आपको बताया जाएगा, और सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये आपके हो गए टोटल 300 नंबर, यही फाइनल मार्क्स हैं, इसके अलावा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसी के बेसिस पे कट ऑफ बनेगी और उसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये 300 जो मार्क्स हैं इसी के बेसिस पे, यानी कट ऑफ, इसका मतलब यही कि कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल इसकी वो ना करें, क्योंकि जितनी भी डिटेल इसकी है सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने की गाइडलाइन से लेके और सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंक हैं,
प्रावधान है, और दो प्रश्न गलत होने पर एक प्रश्न, एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। तो देखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर आपका ए दो प्रश्न गलत होते हैं, दो प्रश्न यानी गलत होते हैं, तो यानी चार नंबर आपने गलत किया तो एक नंबर काटा, यानी 50% 50% की माइनस मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत हार्ड हो गया कि 50% की माइनस मार्किंग। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से ख़राब भी इन कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स तुक्का लगा के आते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वो ध्यान से इस चीज़ को करें कि अब आपको एग्जैक्टली अच्छे से तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, और उसके बाद ही इस एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। अब उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसका जो सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, तीनों जो आपके तीन पार्ट थे, भाग एक, भाग दो और भाग तीन, तीनों भाग में क्या पढ़ना है। वो हिंदी परिज्ञान लेखन में क्या है, उपरोक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता देखा जाएगा, संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो है आपका हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा के समकक्ष, के हिंदी के पेपर के समकक्ष होगा। यानी इसमें ये मत समझिए कि इसमें जो है हाई स्कूल का जो आपका हिंदी वो पूछा जाएगा, इसमें हाई स्कूल के समकक्ष की ग्रामर समझिए आप, ग्रामर है, पर्यायवाची है, आपका अनुलोम विलोम है, समास है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और बर्तनी से पूछे जाएंगे प्रश्न, ऐसे सेंटेंस दे देगा, यहाँ पे एक वाक्य देगा, वाक्य में पूछेगा किस वाक्य में गलतियाँ क्या हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इसकी पूरी तैयारी और पूरा मेटर भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस भाग में पूछे जाने प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझना। देखिएगा इसमें क्वेश्चन कुछ नए तरीके से आने वाले, नवीन परिस्थिति यानी इसमें आपको कोई दो तीन लाइनों का एक वाक्य देंगे जिसमें कुछ कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां होंगी, उस परिस्थितियों के अनुसार आपको चार ऑप्शन देंगे और पूछा जाएगा ये बताइए इस कंडीशन में कौन सी परिस्थितियां सही होंगी, कि कौन सा डिसीजन आप, कौन सा निर्णय आप लेंगे। तो जनरली एक तरह से ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ही पार्ट है, लेकिन ये रीजनिंग से थोड़ा सा हटके है। उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, आपको एनालिसिस करना है, तर्क देना है, अपना तर्क आपका सही होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो निर्देशों को समझने, यानी निर्देश दिए जाएंगे, उस निर्देश में क्या फाइनल कंक्लूजन निकाला जा रहा है ये पूछा जाएगा। समानताओं संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालें, यानी ये रीजनिंग हो गई यहाँ से एक तरह से। तो रीजनिंग तो होगी, लेकिन रीजनिंग में कुछ और अलग से रीजनिंग होगी जो आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है, तो वो भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और उसके साथ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद से सामान्य जानकारी, इस भाग में अभ्यर्थियों से चतुर्थिक वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी, यानी कि चारों तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है समाज के बारे में, उपयुक्तता के संबंध में, इसके अलावा समय समय घटनाएं यानी जीएस, जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप अभी से लग जाइए इस चैनल पे, जनरली अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पर डे से 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी, जिससे आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। आपको कोई मोटी बुक लेके पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप फिर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पर डे की न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे पर डे बहुत न्यूज़ आती है लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पर डे की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप इसको तैयार करते रहेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन के अनुभव, विशेष भारत से संबंधित, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए भारत से संबंधित ऐतिहासिक यानी इतिहास हो गया, भारत का भौगोलिक यानी भूगोल हो गया, और वैज्ञानिक यानी साइंस हो गई। तो ये एक तरह से पूरा जीएस हो गया जिसमें भारत का भूगोल, इतिहास और साइंस हो गई। तो इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सबका वेटेज सेम है, यानी जितने नंबर आपको इसमें मिलने हैं उतने इसमें मिलने हैं, उतने आपको इसमें मिलने हैं, यानी सबका वेटेज सेम है। सबको आपको बढ़िया से तैयार करना है, कुछ में ये नहीं कि ये तैयार कर लिया आपने जिसमें नंबर अच्छे मिले, इसमें सब में आपको बराबर नंबर मिलना है, तो इसलिए बराबर सबकी स्टडी अच्छे से आपको करनी होगी। ज़्यादा आपको ये स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है। तो इन तीनों यही तीन हैं, इनके तीनों के आपका जो टोटल मार्क्स था वो कितना था, 300 नंबर का ये टोटल आपका एग्ज़ाम होगा इसका, जिसका सिलेबस आपके सामने है, और इसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसकी तैयारी के लिए हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, वन बाई वन करके पूरा सिलेबस लेके आ रहे हैं, कुछ लिंक्स लेके आ रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेंगे जिससे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, तो भी निश्चिंत रहिए, आप केवल इस चैनल के बेसिस पे आप पूरी तैयारी अच्छे से अपनी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इन द लास्ट, अंत में कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे दी है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ आप सजेशन चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने हैं, केवल इस तरह का एक बटन आपको इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है,
और विद इन सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के अंदर वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इस चैनल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी वीडियो आएंगे, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, स्टडी मटेरियल मिलना है पढ़ने के लिए, वो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहेगा। इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा रिक्वेस्ट एक और है आपसे कि आप जितना हो सके इस चैनल को आप लाइक करिए। लाइक का एक यहाँ पे बटन बना होता है नीचे हैंड का, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप, लाइक हो जाएगा। अगर आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी के कैंडिडेट्स आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी तैयारी करें और तैयारी के साथ आपकी कुछ हेल्प करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट लग रही है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, जैसे क्लिक करेंगे नीचे ऐसे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे मटेरियल कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंटली आंसर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो मच।